पंजाब विधानसभा सेशन में आज आम आदमी पार्टी सरकार के पहले बजट पर बहस होगी, जिसमें विरोधी सबसे बड़ा मुद्दा 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को 1,000 रुपए न देने पर सरकार को घेरेंगे। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कल पंजाब विधानसभा में बजट पेश किया था। हालांकि खजाने की बुरी हालत को देखते हुए अपने इस चुनावी वादे का जिक्र नहीं किया, जिसे विरोधी अब बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार को विरोधी दल सेहत और खासकर मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे पर घेरेगी। सरकार ने बजट में 117 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का बजट रखा है, जिनमें से 77 मोहल्ला क्लिनिक इसी 15 अगस्त से चालू हो जाएंगे। विरोधियों का तर्क है कि सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की बात कही थी, यानी हर मोहल्ले में एक क्लिनिक होना चाहिए, इसके उलट में एक विधानसभा क्षेत्र का एक मोहल्ला क्लिनिक खोला जा रहा है। तो वहीं सरकार ने कल पेश किए 1.55 लाख करोड़ के बजट में शिक्षा और सेहत पर फोकस किया। आपको बता दें कि शिक्षा का बजट 16% बढ़ाया गया, वहीं सेहत का बजट 24% बढ़ा दिया गया। साल 2021 से 2022 के मुकाबले 2022 से 23 में यह बजट 4,731 करोड़ रुपए का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।